मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करे तो वो लव जिहाद, और अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो उसे क्या नाम देंगे। आप अक्सर खबरें देखते होंगे कि गोदी मीडिया सैफ अली खान और करीना कपूर के पीछे लव जिहाद के नाम पर इस कदर पड़ा रहता है कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर देता है। लेकिन क्या कभी उस मीडिया ने ये दिखाया कि सोहा अली खान ने उनके हिंदू बॉयफ्रेंड से शादी की? इसे वो कौन सा नाम देंगे? अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले तो वो लव जिहाद हो गया, और अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर ले तो उसे क्या नाम देंगे? क्या उस पर भी कभी चर्चा होगी? इतना ही नहीं, अभी आमिर खान ने अपनी पत्नी को तलाक दिया, जिसका जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आया। लेकिन गोदी मीडिया और आईटी सेल की भक्त मंडली इस बात को जबरदस्ती नफरत का एंगल देने का काम कर रही है। वो इस मामले को ऐसे दिखा रहे हैं कि आमिर खान ने जैसे कि अपनी पत्नी के साथ धोखा किया हो, ना कि ये कि वो खुद अपनी मर्जी से अलग अलग हुए हैं। अंधभक्त पार्टी के लोग यहीं नहीं रुके, उन्होंने फातिमा सना शेख को भी इस मामले में जबरदस्ती घसीट लिया और आमिर खान की तीसरी शादी के नाम अफवाहें फैलाना शुरू कर दी है। लेकिन आज आपको हम कुछ ऐसे अभिनेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी पत्नी मुस्लिम है, और गोदी मीडिया ने आपको इसे आज तक नहीं दिखाया होगा। हालांकि ये बात और है कि सेलिब्रिटीज में इस तरह के रिश्ते होना आम बात होती है, क्योंकि वो सब आजाद ख्याल लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम में नहीं उलझते और ना ही इसके बारे में कभी चर्चा करते हैं। लेकिन भक्त मंडली और गोदी मीडिया में खबरों का अलग ही सिलसिला चला आ रहा है। इसी सिलसिले के चलते आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे नाम जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है और गोदी मीडिया ने उनका जिक्र तक नहीं किया। लिस्ट में सबसे पहले आते हैं ऋतिक रोशन, जिनकी पत्नी सुजैन खान से साल 2002 में शादी की और 2013 में उनका तलाक हो गया। वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं सुनील शेट्टी, जिनकी पत्नी को आमतौर से लोग माना शेट्टी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम मोनिशा कादरी सुनील है, जिनकी शादी 1991 में हुई। वहीं तीसरे नंबर पर आते हैं द फैमिली मैन के हीरो मनोज वाजपेयी, जिनकी पत्नी को लोग नेहा के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम शबाना राज है। शबाना राज का नाम नेहा फिल्म बद्री के चलते मशहूर हो गया। इसी तरह अभिनेता संजय दत्त की पत्नी मान्यता मुस्लिम परिवार से आती है, उनके वालिद का नाम दिलशान शेख है। वहीं संजय दत्त के पिता सुनील दत्त की पत्नी जो नरगिस के नाम से मशहूर है, उनका असली नाम फातिमा रशीद है। बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू ने शादी की सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान से। आपको बता दें कि कुणाल खेमू के पिता हिंदू थे और उनकी मम्मी मुस्लिम थी। वहीं आदित्य पंचोली ने 1986 में शादी की जरीना वहाब से, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से आती है। वहीं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राज बब्बर ने 1975 में नादिरा बब्बर से शादी की। नादिरा का असली नाम जाहिरा है, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम बदल लिया। वहीं एक और एक्टर कमलजीत ने 1974 में तमिलनाडु की रहने वाली अदाकारा वहीदा रहमान नाम की मुस्लिम लड़की से शादी की। ऐसे ही हिंदू अभिनेताओं का मुस्लिम अभिनेत्रियों से शादियों का सिलसिला जारी रहा है, जो कि गोदी मीडिया को आज तक नहीं दिखा। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।